हजारों साल पहले एक योगी थे जिनका नाम था सुनीरा। We believe Sunira was just the next generation after Saptarishis. हम मानते हैं कि सुनीरा सप्तऋषियों के ठीक बाद की पीढ़ी के थे। वो उन पहाड़ों में रहे और कार्य किया जो अभी नेपाल में है, और उन्होंने एक असंभव प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया था। सुनीरा ने देखा कि मानव चेतना का विकास हो सकता है अगर आप एक परफेक्ट इंसान तैयार करें जो हर तरह के लोगों को ये प्रदान कर सके। एक तरह से वो शिव की परंपरा से आए थे। कहीं ना कहीं उनका सपना था कि शिव की तरह एक दूसरा प्राणी बनाए। वो एक बार फिर से एक जीते जागते शिव बनाना चाहते थे, दुनिया के लिए एक परफेक्ट गुरु जो पूरी तरह बहुआयामी हो, सिर्फ इस तरह की शिक्षा या उस तरह की शिक्षा न दें जैसे शिव ने पूरी मानव चेतना और मानव शरीर की हर संभव रूप में खोज की थी। वो वैसा जीवित प्राणी बनाना चाहते थे, तो उन्होंने एक ऊर्जा शरीर बनाना शुरू किया उस तरह का। और फिर उन्हें लगा कि वो उसके ऊपर एक भौतिक शरीर बना सकते हैं और उसे दुनिया में छोड़ सकते हैं। कुछ सौ या हजार साल के जीवन काल के लिए, ताकि वो सारी दुनिया को रूपांतरित कर दें जब तक उनका समय पूरा हो। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया, और हां, वो इसे पूरा किए बिना ही मर गए। तो यहां और वहां इन 15,000 सालों में कई महत्वाकांक्षी योगियों ने उसी प्रोजेक्ट को उठाया जिसे सुनीरा ने छोड़ा था, और फिर से एक परफेक्ट गुरु के ऊर्जा शरीर को बनाने की कोशिश की जो मानव चेतना को रूपांतरित कर सके। उन्होंने उसे मैत्रेय नाम दिया। मैत्रेय का अर्थ है मित्र, मानव जाति का सच्चा मित्र जो आकर मानवता को बदल दे, एक विश्व गुरु। पीढ़ी दर पीढ़ी कई योगियों ने दोबारा सुनीरा के उसी अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की। यह हमेशा योगिक परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन पिछली सदी में यह सतह पर आ गया, यह समाज के सामने आया, क्योंकि थियोसोफिस्ट ने उस पर काम किया था। एनी बेसेंट लेट बीटर और मैडम जो भी उनका नाम था, मैं बोल नहीं पाऊंगा, ब्लावत्स्की, उन तीनों ने इस पर काम शुरू किया। उन्होंने कहा हम इसे पूरा करेंगे। उन्होंने तंत्र विद्या के ज्ञान को बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया। शायद पिछले कुछ 100 सालों में पहली बार, और निश्चित रूप से पहली बार पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि आधुनिक तरीके से उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। और उन्होंने इस प्राणी को ढूंढने का प्रयास किया। इस अधूरे प्रोजेक्ट को वो अपने हाथों में लेकर पूरा करना चाहते थे। कुछ काम किया गया, उनके पास ज्ञान था पर उनके पास काबिलियत नहीं थी।
उन्होंने काफी जानकारी जुटा ली थी, मगर वो ऐसा कुछ करने के लिए जरूरी साधन नहीं जुटा पाए। उन्होंने दो बार गंभीर प्रयास किए, बस ये घोषित करने के लिए कि उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है और परफेक्ट प्राणी आ चुका है, मगर यह कारगर नहीं हुआ। एक और समानांतर रेखा भी खींची जा रही थी। पिछले कुछ सहस्त्राब्दियों से जहां कुछ और योगी जो सुनीरा के इस गौरवशाली मगर लगभग असंभव प्रोजेक्ट के बारे में जानते थे, उन्होंने ऐसी ही शक्ति पर काम शुरू कर दिया ताकि ऐसी एक संभावना को तैयार किया जाए, मगर उसी चीज के लिए उनकी समझ बिल्कुल अलग थी। एक ऐसा परफेक्ट प्राणी बनाना जो इंसान न हो, इंसानी रूप में न हो, क्योंकि इसे एक इंसान में डालना एक ऐसी संभावना को इंसानी सिस्टम में सभी क्षमताएं हैं, पर फिर भी इसमें उसे थामने के लिए सीमा की जरूरी समग्रता नहीं है। ऐसे कई पुराने अनुभव हैं जिसमें कई जगहों पर ध्यान लिंग बनाना या बनाने की कोशिश की गई है। न जाने कितने प्रोजेक्ट शुरू हुए इन पिछले 2000-3000 सालों में और उन्हें अधूरा ही छोड़ दिया गया किसी न किसी समस्या की वजह से। भोजपुर में एक ध्यानलिंग बनाने की कोशिश की गई थी लगभग 1000 साल पहले, 1000 साल से थोड़ा और ज्यादा। एक स्थानीय राजा ने इसमें सहयोग किया था, तो इसमें खूब पैसा लगाया गया और उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया जो अधूरा है, और बाकी योजना उन्होंने पत्थर पर बना दी। आप जानते, क्योंकि उस समय ड्रॉइंग बोर्ड नहीं होते थे। उन्होंने एक पत्थर को समतल किया और पत्थर पर मंदिर की विस्तृत योजना बनाई जिसमें इसके निर्माण की सभी जानकारी थी। उनके पास एक भव्य योजना थी, एक सुंदर व्यवस्था और सब कुछ था, मगर कुछ चीजों के कारण वो आधे में ही रुक गया। सिर्फ लिंग पर ही उन्होंने 3 साल से अधिक काम किया। उस पर 14 लोग काम कर रहे थे। एक योगी थे जिन्होंने ये पूरी प्रक्रिया शुरू की थी और इन्होंने 2 साल से ज्यादा काम करके ये 14 लोग तैयार किए। 7 पुरुष और 7 स्त्रियां जिनमें जबरदस्त या असाधारण क्षमता थी, और उन्होंने ये काम शुरू किया। They created this link. I'm almost 95% done. उन्होंने इस लिंग को लगभग 95% बना दिया था, मगर उसी समय एक आक्रमण हुआ। जो लोग हमला करने आए उन्होंने इन लोगों को कुछ ऐसी स्थितियों में पाया जो उन्हें बहुत अजीब लगा, और उन्होंने हमला कर दिया। उस हमले में योगी का बायां पैर कट गया। शरीर में इस चोट के कारण वो आगे का काम नहीं कर पाए, तो उन्होंने तय किया कि कुछ योगी खुद लिंग में समा जाएंगे और इस काम को पूरा कर देंगे। तो उन्होंने एक दूसरे योगी को ऊर्जाओं को बंद करना सिखाया और वो सभी अपने शरीर छोड़कर लिंग में समा गए। पर जो दूसरे योगी थे जिन्हें ये काम करना था, वो इस परिस्थिति से इतने भावुक हो गए कि वो ऊर्जाओं को बंद नहीं कर पाए। क्योंकि वो उसे समय पर लॉक नहीं कर पाए तो लिंग में दरार आ गई। आज भी आप देख सकते हैं लिंग में एक सीधी दरार है। वो लगभग 3 से 4 इंच खुल गया था, अब उसे चूने से भर दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल विभाग ने उसमें चूना भर दिया है, पर उसमें दरार आ चुकी है।
ऐसी संरचनाएं बनाना कई योगियों की इच्छा रही है, क्योंकि आत्मज्ञान के साधन बनाना सिर्फ उपदेशों की तरह या अभ्यासों की तरह नहीं, जिन्हें कोई कर सके, बल्कि जीवित साधन जिनके आसपास लोग समय बिता सकें, जीवित साधन जिनसे लोगों को उस प्रक्रिया की ओर ले जाया जा सके, ये हमेशा से योगियों की सबसे बड़ी इच्छा रही है। One of them who had such a desire fixed me up for the job. ऐसी इच्छा वाले एक योगी ने इस काम के लिए मुझे चुना। उनके साथ मेरी शारीरिक करीबी सिर्फ चंद मिनटों की ही थी। इन कुछ क्षणों में ही इस शानदार चतुर व्यक्ति ने अपने प्रोजेक्ट के लिए मुझे गुलाम बना लिया। मैंने हर काम बस इसे साकार करने के लिए किया, क्योंकि ये मेरे गुरु का सपना था। ये उन्हीं की दूरदर्शिता थी कि ध्यानलिंग स्थापित किया जाना चाहिए। This is my guru's will and grace. ये मेरे गुरु की इच्छा और उनकी कृपा है। मेरे ख्याल से मुझे उस पागलपन के बारे में कुछ बताना चाहिए जहां से मैं आया हूं। After two lifetimes of heartbreaking sadhana, बहुत तीव्र, वाकई दिल तोड़ देने वाली साधना, इन दो जीवन कालों के लोग मुझे शिव योगी बुलाते थे, और जब जरूरत थी, जब मेरे गुरु प्रकट हुए, और जब उन्हें लगा कि मुझे छूना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने अपनी छड़ी से मुझे छुआ। Everything that needs to be realized was realized. और वो सब जो जागृत होना जरूरी था, वो जागृत हो गया। मैं उस परम बिंदु पर था जिस पर कोई भी चीज हो सकती है। तो उस प्राणी को शिव योगी कहा गया, जो उस मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें सौंपा गया था, सफल नहीं हुए। वो फिर वापस आए। सद्गुरु श्री ब्रह्मा के रूप में कड़ी मेहनत की, लगभग सफल हो गए थे, मगर वो समाज में अच्छी छवि नहीं बना सके, क्योंकि वो जो थे उसकी तीव्रता सामाजिक हालात में समझी नहीं जा सकती थी, तो वो उसे पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कुछ लोगों को तैयार किया और फिर पहाड़ पर चले गए। वो खुद को जांच रहे थे कि वो असफल क्यों हुए। उनके पास सब कुछ था, ऐसा क्यों हुआ कि सफलता नहीं मिली। वो जानते थे कि ऐसा नहीं है कि उनमें क्षमता की कमी है, बात बस इतनी है कि वो बस समाज का समर्थन नहीं जुटा पाए जिसकी जरूरत थी। तो वो आखिरी बार पहाड़ पर गए। ऊपर जाने से पहले उन्होंने घोषणा की,
यहाँ तलहटी पर उनके कुछ शिष्य वहाँ इकट्ठा हुए। सब ने पूछा अब क्या करें। He said even Tirupi Varuvan, that means this one will be back again. वो बोले even Tirupi Varuvan, मतलब ये फिर लौट कर आएगा। और वो आखिरी बार पहाड़ पर गए। और उन्होंने एक दुर्लभ चीज की। उन्होंने एक ही समय पर अपने सातों चक्रों से अपना शरीर छोड़ दिया। यानी वो बस खुद को जांच रहे थे। वो जानते थे कि ऐसा नहीं है, मगर फिर भी कुछ असफल हो तो सबसे पहले आपको अपने दोष जांचने चाहिए। तो वो देख रहे थे कि क्या मैं सक्षम नहीं हूं या उतना सक्षम नहीं हूं। तो उन्होंने अपने सातों चक्रों से अपना शरीर छोड़ दिया। ये असाधारण ऊर्जा, बिल्कुल अलग ऊर्जा जो कहीं और नहीं है, आप सातवीं पहाड़ी पर महसूस कर सकते हैं। ये कहीं भी मौजूद किसी भी चीज से बहुत ही अलग है। ये बिल्कुल अलग है। तो ऐसा करके वो जान गए कि समस्या क्या है। आपने परिस्थितियों को ठीक से नहीं संभाला। इस बार जब हम आए तो हमने सारी योजना उस बिंदु तक बनाई जहां हमने तय किया कि कुछ लोग जिनकी मुझे जरूरत होगी वो कहां किस कोख से जन्म लेंगे और कैसे। सब कुछ तय किया गया और सब कुछ वैसा ही हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिन लोगों की जरूरत थी मैंने उन्हें सही जगह पर रखा ताकि सही समय पर सब कुछ साथ में आ जाए। इसके बावजूद इस जीवन में इसे पूरा करने के लिए लोगों को साथ लाने, उन्हें उनका अतीत याद दिलाने, उन्हें तैयार करने में 18 साल की तैयारी लगी। यह आपके लिए परिकथा जैसा है, मगर यह ऐसी चीज है जो हमारे लिए एक जीवित सच्चाई है। तो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया में 3.5 साल लगे, जो बहुत तीव्र प्रक्रिया थी। जिन लोगों ने इन चीजों को होते देखा उनका जीवन पहले से बिल्कुल बदल गया है। ऐसी चीजें जिनकी उन्होंने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं की थी उन्होंने देखी। उन्हें अब भी विश्वास नहीं होता कि उनकी मौजूदगी में वाकई ऐसा हुआ। योगी सुनीरा, उन्होंने जीवन भर इस पर काम किया और उनके जीवन के अंत में जब ये परफेक्ट प्राणी बनाने का उनका सपना अधूरा रह गया तब योगी सुनीरा ने एक भविष्यवाणी की। आज से बहुत लंबे समय बाद, बहुत ज्यादा लंबे समय के बाद मेरे द्वारा शुरू किया गया ये काम पूरा होगा और गूंजेगा, यहां नहीं बल्कि दक्षिण के हरे भरे पर्वतों में। हमारे पर्वत हरे भरे हैं और हम दक्षिण में हैं। तो जो भी सुनीरा की भविष्यवाणी थी वो सच हो गई है, पर उस रूप में नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। ध्यानलिंग एक जीवित गुरु की तरह है। एक आध्यात्मिक साधक के जीवन में गुरु की भूमिका सिर्फ शिक्षा या मार्गदर्शन देना नहीं है। सबसे बुनियादी चीज जिसकी वजह से एक आध्यात्मिक साधक गुरु की तलाश करता है वो ये है कि एक गुरु उसकी ऊर्जा को एक अलग आयाम में जागृत कर सकता है। एक आध्यात्मिक साधक के जीवन में गुरु की भूमिका का ये पहलू
ध्यानलिंग ने बहुत अच्छी तरह पूरा किया है। एक बार ध्यानलिंग के घेरे में आने के बाद कोई व्यक्ति अपने अंदर मुक्ति का आध्यात्मिक बीज बोए जाने से नहीं बच सकता।